हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा मैथमेटिक्स क्लासेस। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एमटी 11 प्रोबेबिलिटी एंड स्टेटिस्टिक्स के अंतर्गत प्रीवियस ईयर्स में ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्यूशन के साथ बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है, फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कैन नॉट बी ग्रेटर देन आइदर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो हम कहेंगे ये स्टेटमेंट फॉल्स है। द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉर एग्जांपल, राम कैन सॉल्व 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स गिवन इन अ बुक एंड श्याम कैन सॉल्व 70%। देन इफ ए इज इक्वल टू इवेंट दैट राम सॉल्व द प्रॉब्लम एंड बी इज इक्वल टू इवेंट दैट श्याम सॉल्व द प्रॉब्लम, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 90/100 इज इक्वल टू 0.9। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 70/100, यहाँ पर क्या हो जाता है, इज इक्वल टू 0.7। अब यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.9 इंटू 0.7 इज इक्वल टू 0.63। बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.9 प्लस 0.7 माइनस 0.63 इज इक्वल टू 0.97 विच इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट, मीन स्क्वायर डेविएशन अबाउट एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू ए इज मिनिमम व्हेन ए इज मीडियन। तो हम कहेंगे यह स्टेटमेंट फॉल्स है। यहाँ प्रूफ के रूप में, एस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n समेशन एक्स आई माइनस ए होल स्क्वायर 1 to n। तो यहाँ पर ये n क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, n एस ए स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन 1 to n एक्स आई माइनस ए होल स्क्वायर। सिंस अब एक्स आई माइनस ए इज इक्वल टू एक्स आई माइनस एक्स बार प्लस एक्स बार माइनस ए, हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। देयरफॉर एक्स आई माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर प्लस 2 × x̄ - a × x i - x̄ प्लस x̄ - a होल स्क्वायर। दस समेशन एक्स आई माइनस ए होल स्क्वायर 1 to n इज इक्वल टू समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर 1 to n प्लस n × x̄ - a होल स्क्वायर। अब सिंस n × x̄ - a होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देयरफॉर समेशन एक्स आई माइनस ए होल स्क्वायर 1 to n एंड हैंस एस ए स्क्वायर इज लिस्ट इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू एक्स बार, दैट इज मीन। उसके बाद तीसरा, इफ एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स एन बी अ रेंडम सैंपल फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन विथ मीन 0 एंड वेरियंस थीटा स्क्वायर, देन 1/n समेशन एक्स आई स्क्वायर आई इज इक्वल टू 1 to n इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा। तो हम कहेंगे स्टेटमेंट फॉल्स है। यहाँ पर हम प्रूफ के रूप में दिखा देंगे, गिवन ई एक्स आई, ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू 0, वेरियंस ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 1 to up to n, लेट टी इज इक्वल टू 1/n समेशन एक्स आई स्क्वायर आई इज इक्वल टू 1 to n। तो ई टी इज इक्वल टू ई ऑफ, यहाँ क्या हो जाएगा, 1/n समेशन एक्स आई स्क्वायर आई इज इक्वल टू 1 to n इज इक्वल टू 1/n समेशन ई एक्स आई स्क्वायर आई इज इक्वल टू 1 to n, इक्वेशन 1। अब यहाँ वेरियंस ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू ई एक्स आई स्क्वायर माइनस ई एक्स आई होल स्क्वायर। तो ई एक्स आई स्क्वायर इसे इधर ले आएंगे और हम यहाँ पर ई एक्स आई होल स्क्वायर को इस साइड ले आएंगे, ठीक है। तो हमें ई एक्स आई स्क्वायर का मान क्या मिलेगा, वेरियंस ऑफ एक्स आई प्लस ई एक्स आई होल स्क्वायर इज इक्वल टू वेरियंस ऑफ एक्स आई क्या दिया हुआ है, थीटा स्क्वायर, प्लस ई ऑफ एक्स आई क्या दिया हुआ है, 0, तो 0 स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, इस इक्वेशन में हम ई एक्स आई स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे तो ई टी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/n समेशन थीटा स्क्वायर, ठीक है, आई इज इक्वल टू 1 to n इज इक्वल टू 1/n, यहाँ पर n टाइम्स इसे ऐड करेंगे तो n थीटा स्क्वायर हो जाएगा, तो n n कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर। सो t इज इक्वल टू 1/n समेशन एक्स आई स्क्वायर आई इज इक्वल टू 1 to n इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा स्क्वायर, हैंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसके बाद चौथा, इफ x फॉलोज बीटा डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर्स अल्फा एंड बीटा, देन 1 - x इज अ बीटा रेंडम वेरिएबल विथ पैरामीटर्स 1 - α एंड 1 - β। तो हम कहेंगे स्टेटमेंट फॉल्स है। यहाँ इफ x फॉलोज बीटा डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर्स a एंड b, अल्फा एंड बीटा, देन 1 - x इज अ बीटा रेंडम
वेरिएबल विथ पैरामीटर्स अल्फा एंड बीटा। ओके, इसके बाद अगला स्टेटमेंट, If y is normally distributed with mean 1 and variance 4, then probability of 1 less than y and y less than 10 is equal to 0.5 approximately. तो यहाँ पर mu is equal to 1, सम वेरियंस हमें क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, ठीक है, यह मीन है और यह वेरियंस है। तो यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो सिग्मा इज इक्वल टू 2, जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है। अब यहाँ पर वाई वन इज इक्वल टू 1 और वाई टू इज इक्वल टू 10 है, तो जेड वन का वैल्यू निकाल लेंगे, वाई वन माइनस म्यू बाई सिग्मा, तो 1 माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 0 बाई 2 इज इक्वल टू 0, फिर जेड टू इज इक्वल टू वाई टू माइनस म्यू बाई सिग्मा, तो यहाँ पर वाई टू की जगह 10 माइनस म्यू की जगह 1 बाई 2, तो यहाँ 9 बाई 2 इज इक्वल टू 4.5। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 10 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जेड ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 4.5 इज इक्वल टू 5, 4.5 माइनस 5 ऑफ 0, तो 5 ऑफ 4.5 क्या हो जाएगा 1 और 5 ऑफ 0 0.5, तो 1 माइनस 0.5 क्या हो जाएगा 0.5, सो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। इसके बाद अगला है, मीन ऑलवेज लाइज बिटवीन मीडियन एंड मोड, तो हम कहेंगे कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, हम एग्जांपल के द्वारा दिखा सकते हैं। इन केस ऑफ अ पॉजिटिवली स्क्यूड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन डज नॉट ऑलवेज लाइज बिटवीन मीडियन एंड मोड, द मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन मीडियन एंड द मीडियन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द मोड, हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसके बाद अगला, इफ कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 0, देन एक्स एंड वाई आर डिपेंडेंट, तो हम कहेंगे कि द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, जीरो कोवेरियंस इन्वॉल्व डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों ही हो सकता है, सिर्फ डिपेंडेंट नहीं होगा, या तो डिपेंडेंट हो सकता है या इंडिपेंडेंट हो सकता है। इसके बाद अगला, मीन ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज 2 एंड वेरियंस इज 3, तो हम कहेंगे कि यह स्टेटमेंट भी फॉल्स है, सिंस द मीन एंड वेरियंस ऑफ द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन आर ऑलवेज इक्वल, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। उसके बाद अगला है, अ मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेटर इज ऑलवेज अनबायस्ड, तो हम कहेंगे कि यह स्टेटमेंट फॉल्स है, सपोज एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स एन इज अ रैंडम सैंपल फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन विथ मीन म्यू एंड वेरियंस सिग्मा स्क्वायर बोथ अननोन, द लाइकलीहुड फंक्शन इज एल एन म्यू सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई टू पावर माइनस एन बाई 2 एक्सपोनेंशियल माइनस 1 बाई 2 सिग्मा स्क्वायर समेशन एक्स आई माइनस म्यू होल स्क्वायर आई इज इक्वल टू 1 टू एन समेशन सिग्मा स्क्वायर टू पावर माइनस एन बाई 2, तो यहाँ पर हियर एन इनवर्स समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर आई इज इक्वल टू 1 टू एन is the maximum likelihood estimator of sigma square which is not unbiased for sigma square, ठीक है। इसके बाद अगला स्टेटमेंट है, if a random variable x has normal distribution with mean mu and variance sigma square, then the distribution of the variable y is equal to ax plus b is normal, तो हम कहेंगे कि यह स्टेटमेंट ट्रू है, यहाँ पर मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन ऑफ वाई एम वाई टी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू द पावर टी वाई, तो इज इक्वल टू ई ई टू द पावर टी, अब वाई की जगह लिख देंगे ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई टू द पावर टी ए एक्स प्लस टी बी इज इक्वल टू ई ऑफ ई टू द पावर टी एक्स इंटू ई टू द पावर टी बी, अब यहाँ पर इज इक्वल टू ई टू द पावर टी बी बाहर आ जाएगा इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई टू द पावर टी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर टी बी इंटू, यह किसके इक्वल हो जाएगा, एम एक्स ए टी इज इक्वल टू ई टू द पावर टी बी इंटू ई टू द पावर म्यू ए टी, फिर यहाँ प्लस 1 बाई 2 ए स्क्वायर टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू ई टू द पावर ए म्यू प्लस बी इंटू टी, ठीक है, फिर यहाँ प्लस 1 बाई 2 ए स्क्वायर टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर टी इज ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी एंड लेस देन इन्फिनिटी, अब यहाँ लेट जेड बी अ रैंडम वेरिएबल विथ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग मीन ए म्यू प्लस बी एंड वेरियंस 1 बाई 2 ए स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर,
तो यहाँ पर देन एम जेड टी इज इक्वल टू ई टू दावर ए म्यू प्लस बी इंटू टी प्लस वन बाई टू ए स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर सिंस एम वाई टी इज इक्वल टू एम जेड टी फॉर ऑल टी एंड इन पर्टिकुलर इन अ नेबरहुड ऑफ जीरो इट फॉलोज डेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई एंड जेड आर द सेम हैज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई इज नॉर्मल विथ मीन ए म्यू प्लस बी एंड वेरियंस ए स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर. ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग.